हाथ प्यारे मेहरबानों, उस वीर बादल ने अपनी घुड़चढ़ी को छोड़कर 1400, जी हां मात्र 1400 सैनिकों के साथ जाकर अलाउद्दीन खिलजी पर चढ़ाई कर दी। बादल की तलवार के सामने एक भी प्रतिद्वंदी टिक न सका। जब अलाउद्दीन को उसकी मौत दिखी, बादल के रूप में अपनी रानी के पीछे यानी अपनी बेगम के पीछे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर वो बेगम खड़ी हो गई कि मेरे सुहाग को मत उजाड़ी। सजनों, बादल रहम करके चल देता है, लेकिन उधर अलाउद्दीन खिलजी ने ये कह दिया कि भाई बादल के नाम का जो बीड़ा उठा ले, इसकी मौत के अंजाम तक इसको पहुंचा दे, उस समय 5 गांव और ढेर सारी सोने की सरकिया दूंगा। उसी सभा में एक पंडित था। पंडित बादल के डेरे के साथ साथ होली और बीड़ा लेकर चल देता है कि मैं बादल को मार के आऊंगा। राजा भीम सिंह बैठे हुए हैं और बादल सो रहे हैं अपने कक्ष में, तो राजा भीम सिंह से उस पंडित ने पानी मांगा। महाराज सोचते हैं कि पंडित का वचन है, इसलिए पानी लेने चले गए और सोते हुए बादल को उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। किसने? उस पंडित ने। जैसे ही राजा भीम सिंह आए, आकर देखा, अब तो सजनों अपने आप को खो बैठे। और किस तरह, क्या मंजर उस वक्त का, आइए सुनते हैं इस रागनी में क्या बताया। लाश भीम सिंह गिर गया, मने छोड़ अकेला, बादल से बिगड़ गया, हो मने छोड़ अकेला, बादल से बिगड़ गया। छलिया ने भारी जुलम कमाया, आज श्राप के डर से पानी लेने खदाया। मने के बेरा था, आज लुटेगी बहन की माया। गया हो
करूंगा अनन चंडेरे किस गाला खबर करूंगा। खाया कदे करके रांड मिठाई हो भला नहीं रे छुटे जो माथे लागी शाही तेरी मरी क्यों न मामी जो चरण